हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? होप करता हूँ सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 10 बज रहे और हम चले हैं नहाने, और अब मैं फाइनली नहा के हो चुका हूँ रेडी। आज मैं सोच रहा था कि हम चलते हैं आज रुकमणी और अपने भाइयों को भी ले चलते हैं साथ, क्योंकि अकेले जाने मजा नहीं होगा। सो मैं कुछ भाइयों को करता हूँ कॉल और मिलते हैं थोड़ी देर बाद कॉल करने के पश्चात। और मैंने की है अपने सभी भाइयों को कॉल और सभी भाई चलने के लिए आतुर है हमारे साथ। सो चलते हैं बढ़िया में अपने भाइयों के साथ। और ये देखिए आज आप मौसम शानदार क्लाउडी जैसा है, गर्मी भी बहुत कम है। और इस साइड कीजिए आप चेक फील्ड्स, और यहाँ भी हमारे लगी हुई हैं गाड़ियों ऊपर जैसे। और ये देखिए हमारी गाड़ी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा धूल से ग्रसित है। सो मैं सोच रहा हूँ आते आते इसको भी धुला दें। ये देखिए आप पूरी तरीके से धूल से लैस। और हमने तो कर दिया सफर का आगाज, परंतु गर्मी इतनी अधिक है ना कि हालत खराब हो चुकी है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे हम वेट करेंगे गांव में खड़े होके अपने अंशु भाई का एंड अनुज भाई का, और बाकी भाई हमारे थोड़े बाहर हैं। और हम कोठी से उठाएंगे अपने प्यारे सौरभ भाई को। उड़ नहीं गए रे? अच्छा। और यहाँ पे हम अपने सौरभ भाई का वेट कर रहे हैं अनुज भाई के साथ और अंशु भाई के साथ। सौरभ भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ। और यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ी देर पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल भरवा लेते हैं उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। सो यहाँ से हमें करनी होगी एंट्री, पहले लेफ्ट देंगे के फिर राइट एंड अगेन फिर से लेफ्ट, और उसके बाद हम रोड क्रॉस करने के लिए बिल्कुल सजग हैं। सो करते हैं अब सफर का प्रारंभ। और ये देखिए हमने साइड में गाड़ी लगा दी और यहाँ पे हम गौशाला में आए हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार मंदिर है। अंशु जी हमें ले चले हैं उस साइड। अंशु जी चले मंदिर की ओर। बहुत ही शानदार। ये देखिए यहाँ पे है बगेड़ में गौशाला। चप्पलियाँ पाई है ऊपर देखा है। और यहाँ पे हमें डॉग मिल चुका है। सो हमने सोचा हम दूसरी साइड से आते हैं। चलो बॉयस चलो अपनी साइड बैठ चुके हैं। अब करते हैं अपना सफर कंटिन्यू। हम सोच रहे थे कि हम इस मंदिर में भी जाते हैं। क्यों गुरुजी, आप आए गुरुजी इस मंदिर में कभी? नहीं भाई, मैं तो पहली बार आए हैं। और मैं भी पहली बार आया हूँ। सौरभ जी हमें रास्ता बता रहे हैं इस मंदिर के बारे में। हाँ सौरभ जी तो आते रहते हैं बगेड़ में काफी बार। और ये मंदिर काफी मतलब यहाँ पे अलग तरीके का है, खास बंदा। हाँ इस मंदिर में मतलब घास का पुल्ला चढ़ाया जाता है। और अनुज भाई को गर्मी लग रही है काफी अधिक। तो चलते हैं करते हैं सफर का आगाज। ये देखिए यहाँ पे गाय हैं, और यहाँ पे बताया जाता है कि इन गायों को मतलब जिसको भी लगी हो उनको यहाँ पे लाया जाता है उपचार के लिए। देखिए ये गाय इसको लगी थी, इसको हाल ही में उपचार के लिए लाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे हनुमान भगवान जी का मंदिर, और सामने है हमारा प्यारा बगेड़ का स्कूल। चलें गुरुजी मंदिर की ओर, चेक करते हैं हम। जय हो जय बजरंग वाले। और ये देखिए इधर गाउस चिल होके बैठी हुई हैं। ऐसा ना हो कि हमें ये खोल कर चेक कर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं खो खो, बहुत ही शानदार। ये देखिए स्कूल लगा हुआ है, बच्चे कुछ पानी पी रहे हैं। इस समय शायद लंच ब्रेक हो। और इधर अनुज भाई बता रहे हैं कि इन्होंने 10वीं का टूर्नामेंट यहीं पे खेला है। और जय श्री राम जय बजरंगबली। ये देखिए बहुत ही शानदार, बच्चों की आप खो खो कीजिए यहाँ से चेक। ये देखिए खो 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 भी बड़ी प्यारी गेम है ना। मजा भाई खो खो से। हाँ अंशु जी चैंपियन थे खो खो के। अंशु जी कहते थे कि जब अंशु जी और सौरभ जी का कॉम्बिनेशन उतरता था खो खो के लिए तो कहीं से किसी से भी नहीं पकड़े जाते थे। और यहाँ पे मंदिर में दर्शन पाने के बाद अब हम करते हैं अपने सफर का प्रारंभ और चलते हैं आगे के सफर की ओर। Thank you.
और ये देखिए ये जो फोर लाइन है ये ओहर से निकलता है और ये फोर लाइन एग्जैक्ट किरतपुर में मिलेगा, कैंची मोड़ है जहाँ पे। सो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सफ़र कम हो जाएगा, जो भी घुमारमी से लेके चंडीगढ़ तक का सफ़र है काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब कमी आएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए कार्य प्रगति पर है परंतु हल्के से यहाँ पे स्पीड ब्रेकर टाइप ही लगे हैं। अभी इस पुली का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। सो यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे की ओर और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर रहा है हमारा रुक्मणी कुंड। सो यहाँ पे आप चेक कीजिए, बहुत ही शानदार दृश्य और बहुत ही क्लियर स्काई एंड NH बहुत ही ज़्यादा शानदार। मनोज भाई मेरे को एक चीज बताओ, आप गए हो आप रुक्मणी का भी? हाँ जी भाई मैं गया पहले। क्या बात है, कई बार अच्छा बना नहाने के लिए नहीं ना। हाँ और आंसू जी आप गए हो? भाई एक बार गए, एक बार गए। और हमारे प्रिय सौरभ जी? नहीं भाई मैं एक बार नहीं गया। क्या बात है, पहली बार चल रहे अगर ये कॉल करते उनको तो इनको जाना पड़ता वहीं पे। क्यों गुरु जी जाति भक्ति नहीं होते। और यहाँ से हम ओहर के स्कूल से ले लिया हमने राइट डाइवर्जन और अनुज भाई का कहना है कि यह इनका ग्रुप क्षेत्र की तरह है। और गुरु जी कितना किलोमीटर आप अगे? 2-3 किलोमीटर और रहा है अभी, हल्का ही है ज्यादा दूर नहीं। हाँ गुरु जी लेफ्ट ही लेनी हमने, बरसंड साइड, बरसंड। ये देखिए बरसंड हमारा मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे, ग्राम बडोवा, बडोवा में पहुंच चुके हैं बडोवा। ये देखिए राइट साइड जाता है गेड़वे के लिए रोड और इस साइड से उतरेंगे हम लेफ्ट साइड होके। पक्का हो चुका है रोड, पहले जब आते थे हम तब ये कच्चा होता था। गुरुजी यहाँ पे बता रहे हैं कि इनका ननिहाल की साइट है। गुरुजी कितने दूर है रुक्मणी पहले बताओ आप? और यहाँ से बता रहे हैं भाई उधर ही हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ रजे वो नहीं है खतरे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे गुरुजी काफी बड़े लैंडलॉर्ड हैं ये, इनके कम 35-40 बीघा जमीन यहाँ पे पड़ी हुई है। और यहाँ पे सारी जनता को पता होना चाहिए कि आपका कितना सिस्टम है। यहाँ पे सुअर भी पाले हैं ना, सुअर भी पाले हैं। देखिए मतलब आप चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी चीजें हैं हमारे अंदर छुपाई। और 8% भी कमांड नहीं है भाई को किसी भी चीज का। ये पूल गेट बना इतना और यहाँ पे अलग ही चीजें बन चुकी हैं। आज हम काफी समय के बाद आ रहे हैं तो हमें काफी अलग ही नजारा।